फिर यहाँ पर हिमालय भगवती से पूजन के विषय में पूछते हैं तो भगवती कन्या पूजन के विषय में बता रही हैं। भगवती कहती हैं नौ के नौ नवरात्रि में कन्या पूजन हो, अष्टमी का बंधन नहीं है। फिर प्रश्न उठता है हम अष्टमी को ही क्यों करते हैं, तो याद रखना भगवती की जो शक्ति है महाकाली वो अष्टमी के दिन प्रकट हुई है। किस दिन? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवती महाकाली प्रकट हुई है, तो अष्टमी तिथि को खास माना जाता है। भगवती कहती है मुझे प्रेम करने वाला व्यक्ति नौ के नौ नवरात्रि का व्रत रखे, नौ के ना रख सके तो अंतिम तीन रखे, अंतिम तीन ना रख सके अंतिम दो रखे, अंतिम दो ना रख सके तो अष्टमी रखे। प्रतिदिन एक एक कन्या का पूजन करे, या प्रतिदिन नौ नौ कन्या का पूजन करे, या प्रतिदिन बढ़ते क्रम में एक एक कन्या का पूजन करे, पहले एक फिर दो फिर तीन, इस प्रकार बढ़ते क्रम। और भगवती कहती वो भी संभव नहीं है तो अंत के सप्तमी नवमी में कन्या का पूजन करे। दूसरी बात, क्या ब्राह्मण कन्या का ही पूजन हो? नहीं, भगवती आदेश देती हैं हर कन्या मेरा स्वरूप। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों कन्याओं का पूजन होता है। कन्या पूजन बड़ी सुंदर बात जगदम्बा यहाँ के, पर एक बात का ध्यान रखना, शास्त्र कहते हैं कोई भी ऐसी कन्या जो विकलांग है उन्हें कन्या पूजन में नहीं स्वीकार करना चाहिए। भैया हर बिटिया हर कन्या जगदम्बा का स्वरूप है स्वीकार, पर आप लोग जानते हैं जगदम्बा के कुछ लक्षण होते हैं। मान लो आपके घर में कोई ऐसी बिटिया है जो 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 विकलांग है या किसी प्रकार से मानसिक रूप से ठीक नहीं है, आप उसका पूजन करें कोई समस्या नहीं है, पर जब नौ तीन सात कन्या आपने बिठानी है उसमें उसकी गणना न हो। मैं देवी भागवत के इशारे से कह रहा हूँ। और आप जानते हैं साथ में एक बालक जरूर बिठाया जाता है जिसे अधिकांश हनुमान जी का ही स्वरूप माना जाता है। भगवान की बोली जगदम्बा मैया की। अब आया एक प्रश्न, जो प्रश्न हमारी व्यासपीठ के ऊपर प्रत्यक्ष या सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बहुत भेजते हैं सवाल। आप लोगों के घर में कन्या पूजन होता है, आपने खूब कन्या पूजन किया होगा। कन्या पूजन एक से नौ नहीं होता, दो से दस होता है। क्यों? आप लोग एक साल की कन्या का पूजन नहीं करते, एक से नौ का नहीं करते, दो से दस का करते हो। क्यों? तो इसका बड़ा सुंदर सटीक उत्तर भगवती देवी भागवत में देती हुई कहती हैं, एक वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परमज्ञात भोगानां गंधादीनां च बालिका। जब हम भगवती स्पष्ट आदेश करती है एक वर्ष की कन्या का पूजन न करें। क्यों? क्योंकि जब आप उसके मस्तक पर तिलक लगाओगे वो सुगंध को नहीं पहचान सकती, आप जब उसके सामने भोग रखोगे वो रस को नहीं पहचान सकती। ठीक। फिर प्रश्न उठता है दस साल से ऊपर की क्यों नहीं? तो उसके लिए भी ग्रंथ प्रमाण देता है, अष्ट वर्षा भवेत गौरी, आठ साल की बेटी गौरी, नव वर्षा तो रोहिणी, नौ साल की बिटिया रोहिणी, दश वर्षा भवेत कन्या, दश वर्ष की बिटिया कन्या। उसके ऊपर माताओं की देह से धर्म जुड़ा है जिसके आने की संभावना प्रबल हो जाती है। कन्या अछूत नहीं हुई, ये बात गांठ बांध लो। हमारी शास्त्र परंपरा में जन्म से लेकर मृत्यु तक स्त्री पूजनीय है, क्योंकि हमने आपको कहा आप दश महाविद्याएं उठा कर देख लो। दश महाविद्याओं में कोई देवी कुमारी है, कोई विवाहित है, कोई विधवा है। ध्यान रखना, स्त्री सदा सर्वदा पूज्या है, यत् नारिष्ट पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही कारण है दस वर्ष के ऊपर की कन्या का पूजन नहीं होता, क्योंकि मासिक चक्र के आरंभ होने की संभावना बढ़ जाती है।